बीकानेर में ग्राम पंचायत सायको का महापड़ाव शिक्षा निदेशालय के आगे जारी है। मंगलवार को ग्राम पंचायत सायको ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया और नियमों में शिथिलता बरतते जाने को सरकार से आह्वान किया। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में 1,10,000 ग्राम पंचायत सहायक हैं जो कि पूरे राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम पंचायत सहायक के रूप में कर रहे हैं। बीकानेर में आयोजित इस महापड़ाव में राजस्थान के प्रत्येक जिलों से महिला और पुरुष शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण ने बताया कि संविदा नियम 2022 में जो नियम बनाए गए हैं उसमें आयु और संतान और पुराने अनुभव को नहीं जोड़ा गया। इस कारण बड़ी संख्या में राजस्थान भर के संविदा कर्मी ऐड होने से बाहर होते जा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश भर के सैकड़ों पंचायत सहायक बीकानेर में महापड़ाव डाले हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। ग्राम पंचायत सहायकों से बातचीत की बीकानेर के A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान भर के पंचायती सहायक यानी जो एक समय में विद्यार्थी मित्र हुआ करते थे वे बीकानेर के शिक्षा निदेशालय के आगे धरने पर बैठे हैं और तमाम तरह के जो मुर्गा बनकर प्रदर्शन करना और इन्हें चूंकि अपात्र घोषित किया जा रहा है संविधान नए संविधान नियमों को लेकर अगर हम बात करें तो बात बताया हम आपको यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बराबर पूरे राजस्थान भर के ये लोग हैं जो कि आए हुए हैं। अपना नाम परिचय बताते हुए आप बताएं। प्रवीण जसरापुर प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक। जैसा कि पिछले 9 दिनों से आज हमारा 9वां दिन है हमने पूरे राजस्थान के जो अभी संविदा रूल्स 2022 माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए थे। हालांकि उन्होंने चुनाव में जो संविदा कर्मी थे जब चुनाव आए थे तब उन्होंने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था लेकिन नियमित नहीं किया। चलो ठीक है उन्होंने कहा कि संविदा रूल्स में डालेंगे उसके बाद नियमित करेंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि संविदा से संविदा रूल्स में डालने के लिए आपने करीब पैरा टीचर और पंचायत सहायकों में 7,000 आदमी बाहर कर दिए। 15 सालों से ये लोग आपकी सेवाएं कर रहे हैं उस समय आपने नहीं पूछा कि आपकी उम्र क्या है आपके बच्चे कितने हैं। अब आप हमें ये जो कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं और क्या आपकी मांग है? पिछले 9 दिन हो गए हमें और हमारी एक ही मांग है कि जो अपात्र संविदा रूल्स के लिए सरकार ने किए हैं उनको शीघ्र ही नियुक्ति आदेश विद्यालय सहायक के पद पर किया जाए और उसके बाद तुरंत प्रभाव से नियमित किया जाए। जब तक सरकार हमारी ये मांग पूरी नहीं करेगी हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा और जल्दी ही इसमें राजस्थान के जो 1,10,000 सारे संविदा कर्मी है संयुक्त संघर्ष समिति के जो संयोजक है शमशेर भालू खान जी वह भी यहाँ पधारने वाले हैं। अभी कहाँ कितने लोग लगभग कितने जिलों से लोग यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पे राजस्थान के करीब 33 जिलों से आए हुए हैं लोग और हम संख्या भी इसलिए रकम रख रहे हैं क्योंकि निदेशक महोदय ने हमारा प्रस्ताव बना के भेज दिया है। हम कल मीटिंग होने वाली है हम सरकार से मांग करते हैं उस मीटिंग में शायद हमारा कुछ समाधान हो जाए लेकिन अगर सरकार ने समय रहते समाधान नहीं किया तो आने वाले 2-3 दिनों में मूवमेंट और तेज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आंदोलन बराबर चल रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान भर के ये पंचायती सहायक विद्यार्थी मित्र जो शिक्षक है जो की यहाँ पर पहुंचे बात करते हैं। महिलाएं भी हैं उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे। मेरे को सरकार से यही बात करनी है जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि पिछले 15 साल से भी काफी लोग तो 15 साल से भी ज्यादा यहाँ पे सरकार को बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार ने चुनावी वादे में ये कहा था कि भाई हम लोगों को नियमित करेंगे। नियमित तो छोड़ो नियम संविदा से संविदा में लाने के लिए सरकार ने हमको अब इस उम्र में आके हमको अपात्र कर दिया। अब हमारे को कौन नौकरी देगा अब हम कहाँ जाएंगे हमारे परिवार कैसे चलेंगे। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए और अगर हमारे को सकारात्मक सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता तो ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। कितने दिन हो गए आप लोग सड़कों पर बैठे? हमको 9 दिन हो गए आज 10वां दिन है। देखिए लगातार 10 दिनों से भी ज्यादा समय बीत चुका है और ये लोग सभी धरने पर बैठे हैं बीकानेर में। पूरे राजस्थान भर के लगभग 1,10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी मित्र जो पंचायती सहायक बन चुके हैं वे अब आने की तैयारी में लेकिन अभी फिलहाल सैकड़ों लोग ही बीकानेर पहुंचे हैं। देखने वाली बात ही होगी कि सरकार कब सेवा नियमों में परिवर्तन करेगी और कब इनका धरना समाप्त होगा। KK सिंह A1 TV बीकानेर।